नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूं रमेश सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube की कुछ ऐसी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स और सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें आप या तो बंद कर देना चाहते हैं या फिर ऑन करना चाहते हैं। लेकिन YouTube पर अगर आप इन सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में आप उन सभी सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में सीख जाएंगे। तो कौन से दोस्तों YouTube की ये सीक्रेट सेटिंग्स और कैसे आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, YouTube ब्राउजिंग करते टाइम आपने देखा ही होगा, जैसे ही आप यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए किसी वीडियो पर रुकते हैं तो वो 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली प्लेबैक मोड में आ जाती है और साइलेंटली प्ले होने लग जाती है, जैसे कि आप यहां पर इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखने से पहले उसका थंबनेल देखना चाहते हैं तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब तक पूरी वीडियो फिनिश नहीं हो जाती है तब तक ये प्लेबैक चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब फीड में इस प्लेबैक फीचर को बंद करना है तो इसके लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यूट्यूब की सेटिंग्स पेज में आपको जनरल ऑप्शन पर क्लिक करना है और जनरल सेटिंग में आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, प्लेबैक इन फीड्स। तो गाइज, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ऑन ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, जिससे कि यूट्यूब फीड्स में वीडियोज प्लेबैक होती रहती हैं। अगर आप वाईफाई ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वाईफाई कनेक्शन पर ही वीडियोस ऑटो प्ले होंगी, और अगर आप प्लेबैक फीचर को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफ ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, जिसके बाद यूट्यूब फीड्स में प्लेबैक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहीं पर आप बॉटम साइड में रिस्ट्रिक्टेड मोड का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपकी यूट्यूब फीड्स में मोस्टली इनएप्रोप्रिएट कंटेंट शो होना बंद हो जाएंगी। आपने यूट्यूब ब्राउजिंग करते टाइम देखा ही होगा, बहुत सी गलत कंटेंट वाली वीडियोस भी सामने आ जाती हैं। ऐसे में अगर आप इस तरह की गलत वीडियोस को ब्राउजिंग करते टाइम नहीं देखना चाहते हैं तो इस फीचर को ऑन ही रहने दीजिए। हालांकि कुछ रीजनल और अलग अलग लैंग्वेजेस की वजह से ये फीचर 100% काम नहीं करता है, लेकिन 80% तक जो गलत कंटेंट्स हैं वो आपकी यूट्यूब ब्राउजिंग में आना बंद हो जाएंगी। अब जैसे कि दोस्तों आपने देखा ही होगा, यूट्यूब पर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो जैसे ही वो वीडियो फिनिश होती है तो नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। ऐसे में अगर मान लीजिए आपने गलती से किसी वीडियो को प्ले करके छोड़ दिया है तो नेक्स्ट वीडियोस वन बाय वन करके ऑटोमेटिकली प्ले होती रहेंगी और आपका मोबाइल डेटा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो आप यूट्यूब पर देखें उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले ना हो, तो यहाँ पर ऑटो प्ले के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो के इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। इसके बाद यूट्यूब पर जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आप वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने वीडियो क्वालिटी को सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, यहां पर बाय डिफॉल्ट ऑटो ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो आपके मोबाइल नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपको वीडियो की क्वालिटी मिलती है। यानी कि अगर आपके मोबाइल का नेटवर्क अच्छा है तो आपको हाई क्वालिटी वीडियोस देखने को मिलेंगी। जो भी आप वीडियो प्ले करेंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अगर आप यहाँ पर हायर पिक्चर क्वालिटी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी वीडियो को प्ले करने पर वो हाई डेफिनेशन में प्ले होगी, लेकिन मोबाइल नेटवर्क कम होने पर बफरिंग स्टार्ट हो जाएगी और वीडियो भी आप सही से नहीं देख पाएंगे। हालांकि अगर मोबाइल नेटवर्क अच्छा है तो आपको हाई क्वालिटी में वीडियो देखने को मिलेगा। अब अगर दोस्तों आप YouTube यूज़ करते हुए अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेटा सेवर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद YouTube पर जो भी वीडियोस आप प्ले करेंगे वो लोअर क्वालिटी में प्ले होंगी और इससे काफ़ी हद तक आपका मोबाइल डेटा भी सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम यही सेटिंग आप यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, YouTube पर आप जो कुछ भी सर्च करते हैं उसकी एक अलग से सर्च हिस्ट्री क्रिएट होती है, जिसे आप YouTube होम पेज के टॉप साइड में सर्च आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह से YouTube पर जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं उसकी एक अलग से वॉच हिस्ट्री क्रिएट होती है, जिसे आप YouTube होम पेज के बॉटम राइट कॉर्नर में लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक करके
देख सकते हैं। जितने भी रिसेंट वीडियो आपने देखी होंगी वो आपको लाइब्रेरी सेक्शन के टॉप साइड में शो हो जाएंगी और हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी ऑल वॉच हिस्ट्री को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी YouTube वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में टॉप साइड में आप क्लियर वॉच हिस्ट्री का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको क्लियर वॉच हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी सभी वॉच हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से YouTube सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लियर सर्च हिस्ट्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और पॉपअप में भी क्लियर सर्च हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी टोटल सर्च हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। और सर्च ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी सर्च आइटम नहीं मिलेगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपसे आपकी कोई भी सर्च हिस्ट्री या वॉच हिस्ट्री क्रिएट ना हो, तो यहाँ पर पॉज वॉच हिस्ट्री और पॉज सर्च हिस्ट्री दोनों ही ऑप्शंस को इस तरह से इनेबल कर दीजिए। इसके बाद जो कुछ भी आप YouTube पर सर्च करेंगे या जो कोई भी वीडियो देखेंगे उसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप YouTube के थ्रू मिलने वाली अलग अलग नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहीं पर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसे आप अगर ऑन कर देंगे तो YouTube की सभी नोटिफिकेशंस आपको एक ही टाइम पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर शेड्यूल्ड डाइजेस्ट के इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो YouTube की जितनी भी नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिलती हैं वो डेली शाम के 7 बजे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और इस टाइम से पहले या फिर बाद में आपको एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। हालांकि इस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें से आप जो भी टाइम सेलेक्ट करेंगे, YouTube की सभी नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम पर रिसीव होंगी। अब अगर दोस्तों आप YouTube पर लाइव करते हैं तो ये जो नेक्स्ट फीचर है ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। यहाँ पर लाइव चैट का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में हेल्ड फॉर रिव्यू का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो YouTube पर जब भी आप लाइव आएंगे और लाइव चैट के दौरान अगर कोई यूज़र गलत मैसेज भेजता है तो वो डायरेक्ट पब्लिक नहीं होगा, बल्कि उससे पहले वो आपके सामने रिव्यू के लिए आएगा और फिर आप चाहें तो उसे पब्लिक कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप YouTube पर लाइव चैट के दौरान गलत कमेंटिंग से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।